नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल 2019 का आगाज हो चुका है और रविवार को डबल हेडर था। जी हां, आपको बता दें, जहां एक तरफ केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक रोमांचक मुकाबले में मात दी और रसेल का मसल पावर देखने को मिला, वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से रौंद दिया। जी हां, ऋषभ पंत के तूफान में पूरी की पूरी मुंबई की टीम उड़ी। भारत की कैपिटल ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को हराया। साफ तौर पर एक पॉजिटिव कल के मैच में जो निकल कर आया दिल्ली और मुंबई के मैच में, वो था युवराज सिंह। जी हाँ, जिनकी बात हम इतने महीनों से कर रहे थे, जिनका इंतजार हम इतने दिनों से कर रहे थे, आखिरकार युवराज सिंह ने पहले ही मैच में ये दिखा दिया कि क्यों आज भी वो बूढ़े शेर कहे जाते हैं। बूढ़ा शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो कभी शिकार करना नहीं छोड़ता, ये दिखाया युवराज सिंह ने। 53 रनों की जानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने एक बार फिर 3 छक्के और 5 चौके जड़े। महज 35 गेंदों में उन्होंने ताबड़तोड़ 53 रनों की शानदार पारी खेली। बड़ी बात यह रही कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला उन्होंने किया। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच, हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड छोटा है, शॉर्ट बॉल यहाँ पर मिलती है, विकेट में बाउंस रहता है, तो यहाँ पर कम से कम 190 से 200 का स्कोर आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस ये रन बना पाती, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी खिलाड़ी जो है फ्लॉप थे। कप्तान रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए, क्विंटन डिकॉक 27 रन बनाकर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पारी को संभाला यहाँ पर युवराज सिंह ने। 18वें ओवर तक वो टिके रहे, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो रबाडा की गेंद को पुल करने के चक्कर में कैच दे बैठे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार युवराज सिंह किस तरह से यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने की जो उम्मीद की जा रही थी, वो आखिर प्रदर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल पहले ही मैच में युवराज सिंह ने दिखा दिया कि द किंग इज बैक इन फॉर्म, और एक बार फिर वही सिक्सर किंग हमें देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत एक बड़े पॉजिटिव निकल कर आए हैं। ऋषभ पंत, जिनकी वर्ल्ड कप की उम्मीदों पर लगाम लगने की बारी आ रही थी, ऋषभ पंत ने कल कितने हेलीकॉप्टर शॉट्स खेले हैं, ये वाकई में दिखा दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी का सही उत्तराधिकारी अगर कोई टीम में है तो वो है ऋषभ पंत। मैं 27 गेंदों में 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी ऋषभ पंत ने खेली, शानदार छक्के लगाए और हेलीकॉप्टर शॉट्स के तो क्या ही कहने। साथ ही यहां पर जिस तरह से युवराज सिंह की बात की जाए अगर, तो युवराज सिंह महज 35 गेंदों में 53 रन। 9 मैचों के बाद युवराज सिंह की आईपीएल में कोई 50 लगी है, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। एक एहसान किया मुंबई इंडियंस ने कल उनको खिलाकर, झारखंड के ईशान किशन को बाहर किया टीम से और युवराज सिंह को नंबर 4 पर खिलाया। हो सकता है कि रोहित शर्मा की ये सोच हो कि युवराज सिंह को यहाँ पर अगर नंबर 4 पर ट्राई कर लिया जाए, और युवराज सिंह अगर नंबर 4 पर रन बना देते हैं तो वो इंडियन टीम में आसानी से फिट बैठ सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या युवराज सिंह अब इस फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि युवराज सिंह का जो प्रदर्शन हमने देखा है, एक बार अगर उनकी लय उनके हाथ में रहती है तो फिर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनते हैं। और हाल ही में सुबह जब मैं देख रहा था उनका बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी संन्यास के बारे में मेरे बात मत कीजिए, मैं आज भी क्रिकेट को उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ जितना मैं अंडर 19 के टाइम में किया करता था। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मुझे अपना बल्ला अब नहीं उठाना चाहिए, मैं उस दिन बल्ला नहीं उठाऊंगा, लेकिन अभी मुझे फिलहाल लगता है कि मैं अच्छी टच में हूँ, अच्छी फॉर्म में हूँ, मैंने 150 लगा दी है और मैं इस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस पूरे सीजन में। यानी कि युवराज सिंह जिनके बारे में लगातार ये बात हो रही थी, जिनके बारे में हमारे व्यूवर्स भी कह रहे थे कि युवराज सिंह को होना चाहिए वर्ल्ड कप की टीम में, आसार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लगभग वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए युवराज सिंह ने एक खतरनाक पारी खेली है। महज 35 गेंदों में 53 रन उन्होंने बनाए हैं, अर्धशतक पहले ही मैच में ठोका है इस टूर्नामेंट में, 5 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में जड़े। लेकिन सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात निकल कर आई वो ये रही कि युवराज सिंह के बैकफुट पंच शॉट भी काफ़ी अच्छे निकले, उसके बाद वो पुल भी अच्छा लगा रहे थे, और जिस तरह से अक्षर पटेल की उन्होंने धुनाई की है, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते ही युवराज सिंह पागल हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन कल अपने प्लान्स को जो एग्जीक्यूट वो करना चाह रहे थे, हालांकि लकी भी थे, 2-3 बार बॉल हवा में भी गई, लेकिन उसके बावजूद युवराज सिंह ने दिखाया कि क्यों आज भी उनकी ज़रूरत है टीम में। फिलहाल भारतीय टीम भी नंबर 4 नंबर 6 से जूझ रही है, और अगर मुंबई इंडियंस के लिए युवराज परफॉर्म कर जाते हैं इस सीज़न में या रन्स कर देते हैं 600 से ज़्यादा या 700 से ज़्यादा, लेकिन फिलहाल दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कप की जो टीम डिसाइड होनी है वो मिड ऑफ द टूर्नामेंट में डिसाइड होनी है।
फिलहाल अगर युवराज के लिए मौका है सिर्फ 7 मैचों का, जिसमें एक मैच में उनका परफॉर्मेंस जो है वो आ चुका है। अब अगले 6 मैचेस में अगर युवराज की परफॉर्मेंस आ गई या फिर युवराज का बल्ला चल गया तो यहाँ पर सामने वाली टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भले ही यहाँ पर दिल्ली की टीम जीती ज़रूर हो, दिल्ली ने हराया ज़रूर हो मुंबई को, लेकिन युवराज सिंह ने फैंस का दिल जीता है। कल जिस तरह से युवराज सिंह को चेयरअप किया जा रहा था मैदान पर, एक बार फिर याद आ गई वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल की। यही युवराज सिंह थे जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था 2011 में, और अब फिर वही ज़रूरत है, फिर भारत वर्ल्ड कप के पास खड़ा है। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए युवराज सिंह को अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की आस मिल सकती है, वो है परफॉर्मेंस। और अगर वो परफॉर्मेंस जो हमने कल देखा है वो निकल गया तो यहाँ पर युवराज सिंह की एंट्री लगभग तय हो जाएगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि भारत के पास अभी भी बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।